प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको शिक्षण कार्यक्रम के चौथे सोपान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। और परीक्षा में अव्वल आने के लिए मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था पता है? बताइए, कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को? सर, नाटक के बारे में बताया। हाँ, नाटक के बारे में बताए थे। नाटक से क्या समझते हैं गगनदीप आप? नाटक बताए। नाटक जो है हमारे, खड़े होकर बताइए, हमारे जीवन को एक कला के रूप में प्रस्तुत करता है। जी, मतलब जिस तरह से हम अपने जीवन में कभी मतलब परेशानियां देखते हैं, फिर उससे उभरते हैं। जी, नाटक इन सबका चित्रण करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जी, तो इस प्रकार से नाटक का मतलब ये है, नहीं कहते नाटक कर रहे हो, नकल कर रहे हो। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की नकल करते हैं और वो अभिनय के रूप में, और अभिनय करना हमारा वो नाटक होता है। मैंने कल बताया था आपको कि नाटक चार वेदों के बाद, इसे पंचम वेद भगवान नारद ने बताया था कि ये नाटक पंचम वेद है। ये इसे साहित्य विधा का पंचम वेद नाटक को माना गया है। तो नाटक के विषय में मैंने आपको बताया। आज हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा जो होनी है बोर्ड की, उसके विषय में चर्चा हम करेंगे। और परीक्षा में हम चर्चा करेंगे, बेटा आप लिखिएगा, तीन बिंदुओं पर चर्चा होगी। गगनदीप लिखिए बेटा। पहला प्रश्न पत्र, जी। दूसरा है समय सीमा, समय सीमा। तीसरा, प्रश्न पत्र को हल करने का, हल करने का नियम। तथा उसकी भाषा को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए दिखाना बेटा, भाषा को भली भांति समझ कर उत्तर देना। ये तीन बिंदु हैं बेटा। तो ये तीन बिंदु, पहला बिंदु क्या बताया? प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र है क्या? प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र प्रश्नों के संकलन का लिखित रूप परीक्षोपयोगी प्रश्नों, चयनित प्रश्नों के का संकलन का लिखित रूप जो है वो प्रश्न पत्र होता है। और उसमें ये सभी बच्चे लिखो, प्रश्नों का संकलन
जो उसका लिखित रूप होता है और जिसमें, बेटे बात नहीं करेंगे पीछे, जिसमें अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें क्या निर्धारित होते हैं, अंक निर्धारित होते हैं, और कितने अंक का फला प्रश्न है, कितने अंक का फला, इतने अंक का फला प्रश्न है, तो उसमें अंकों का विभाजन कर दिया जाता है, हाँ, और वो क्या होता है, प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र में, प्रश्न पत्र स्तरीय होता होना चाहिए, जो CBSE बोर्ड का पैटर्न है उसमें। अब तो चूंकि कोरोना के कारण जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र आया था उसमें आपको ऑप्शन विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प चुन करके आपको प्रश्न पत्र करने थे, प्रश्न पत्र जो है कैसे करने थे, सही विकल्प चुन करके प्रश्न पत्र करने थे। नहीं तो थोड़ा सा आप सहभागी बनिए, तो प्रश्न पत्रों को आपको कैसे करना है, प्रश्न पत्र जो है अब कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र आप पढ़ेंगे, 15 मिनट का समय मिलेगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र होता क्या है, कि प्रश्नों का संकलन जो लिखित रूप तथा अंक निर्धारण से युक्त होता है, युक्त हो, उसे प्रश्न पत्र कहा जाता है। और ये प्रश्न पत्र की परिभाषा, चाहे वो बहुविकल्पिक प्रश्न हो या वर्णात्मक प्रश्न हो, जिसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक प्रश्न दो प्रकार के होते, प्रश्न पत्र दो प्रकार का होता है बेटा, पहला बहुविकल्पिक और दूसरा क्या है, वर्णनात्मक, ठीक है, या विषय पर आधारित होता है। तो ये जो है, ये प्रश्न पत्र दो प्रकार का होता है। जो कोई पूछे आपसे कि प्रश्न पत्र कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे दो प्रकार का, एक पहला बहुविकल्पिक और दूसरा वर्णनात्मक या विषय पर आधारित। होता तो वो भी विषय पर आधारित है, लेकिन जो है यहाँ बहुविकल्पिक और वर्णनात्मक, तो ये दो प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। और अब जो है प्रश्न की जो विधा, तो प्रश्न पत्र हल करने की जो विधा है वो क्या है, कि प्रश्न पत्र परीक्षा भवन में आप प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद जब आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें 15 मिनट मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जो लास्ट का जो पॉइंट है वो प्रश्न पत्र की भाषा को समझ करके उत्तर देना, उसको फिर इसी में ले लेता हूँ, अलग से चर्चा कर लूँगा, फिर इसी में लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, कि प्रश्न पत्र को आप समझेंगे, प्रश्न पत्र को आप क्या करेंगे, पढ़ करके समझेंगे कि, और प्रश्न पत्र को समझेंगे, ठीक है, और कैसे समझेंगे, प्रश्न को धीमे आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ करके उस पर हम मनन करेंगे, 2 मिनट जो है मनन करेंगे, विचार करेंगे कि भाई ये प्रश्न किस प्रकार का है, क्या कह रहा है प्रश्न, है ना, उसको हम समझ करके, और अभी उसको उत्तर कैसे देंगे। बेटा जो प्रश्न आपको आसान लग रहा है, सबसे आसान लग रहा है, उस प्रश्न को हमें पहले करना चाहिए। जो प्रश्न
हमें आसान लग रहा है उस प्रश्न पत्र को हमें करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो जो प्रश्न आते जाएं, जो प्रश्न पहले आपको अच्छे लगते हैं उस पर आप निशान लगा लें, प्रश्न पत्र पर आप निशान लगा सकते हैं हल्के रूप में, छाया के रूप में। हालांकि प्रश्न पत्र पर निशान नहीं लगाना चाहिए, उस पर लिखा होता है कि न कुछ राइटिंग करनी है और न कुछ लिखना है। प्रश्न पत्र को के या तो किसी रद्दी वो पेपर पर लिख करके आप सवाल कर सकते हैं, पर प्रश्न पत्र पर आपको कलम नहीं चलानी है। आपको जो प्रश्न आपको आसान लग रहा है उस पर आप क्या करेंगे, हल्का सा पेन से छाया के रूप में निशान लगा सकते हैं ताकि आपको ही समझ में आए और दूसरा कोई न समझ पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र को पर निशान लगा करके जो प्रश्न हमें सबसे पहले आता है उसे हम करें। उसके बाद भाई जो प्रश्न फिर बाद में आते, बेटे बात नहीं आते हैं, उसे आप करें। और करने के बाद आप ध्यान दे लें, फिर दोबारा से उसको आप रीड कर लें कि क्या जो प्रश्न पत्र, क्या जो प्रश्न मैंने किए हैं वो प्रश्न जो है सही है कि नहीं है। उस पर विचार विमर्श अपने आपस में, अपने आप में स्वगत विचार विमर्श करें, स्वगत अंतर व्यक्तित्व विचार करना है। उस पर विचार करके और आप जो है प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। तीसरा बिंदु प्रश्न को समझ करके, यही बात है, प्रश्न को समझ करके और उसकी भाषा समझ करके उत्तर देना है। तो प्रश्न को आप समझ लें, प्रश्न की भाषा को समझ लें, प्रश्न की भाषा को समझने के बाद आप उत्तर लिखें। प्रश्न की भाषा क्या कह रही है, प्रश्न की भाषा मान लो प्रश्न कहता है, आवाज नहीं, प्रश्न कहता है कि राम के व्यक्तित्व का वर्णन करिए, तो राम के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन ही करना है, न कि आपको दशरथ के चरित्र की विशेषता का वर्णन करना है। राम के चरित्र की विशेषता का वर्णन करना है और भरत का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है राम के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा आप करेंगे, न कि सीता के चरित्र की चर्चा करेंगे। मतलब जो चीज पूछा गया आपसे उसी की चर्चा करनी है, दूसरे व्यक्तित्व या दूसरे पात्र की चर्चा आपने नहीं करनी है। तो ये जो है, और एक बात और सुनिएगा बेटा कि अंक निर्धारण, प्रश्न पत्रों में अंक विभाजन होता है, कुछ एक एक नंबर के प्रश्न भी होते हैं, दो दो नंबर के भी प्रश्न होते हैं, पाँच तीन तीन नंबर के भी होते हैं, पाँच पाँच नंबर के भी प्रश्न होते हैं। तो पाँच नंबर के प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, दो नंबर के प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, एक नंबर के प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, ये आपको ध्यान आना। यदि एक नंबर का प्रश्न है तो एक वाक्यावली में आपने उत्तर देना है या एक शब्द में उत्तर देना है। दो नंबर का यदि प्रश्न है तो आपको एक से दो वाक्य में उत्तर देना है, न कि पूरा पेज भर देंगे। एक नंबर का प्रश्न है आप पूरा पेज भर रहे हैं, समय की भी बर्बादी, पेपर की भी बर्बादी, समय की बर्बादी और नंबर की भी बर्बादी, नंबर भी नहीं मिला। तो बेटा ऐसा आप प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा में ऐसा मत कीजिएगा, वरना आपका साल भी चला जाएगा। तो प्रश्नों को आप जो है समझिए, बीच बीच में कोई क्वारी है तो आप पूछते रहिए, स्वागत है आपका, ये इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मूक बन करके नहीं रहना है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपस में बातचीत नहीं करेंगे,
आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं होगी, आप प्रश्न पूछिए, मुझसे प्रश्न पूछिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक नंबर का प्रश्न है तो एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे जब अंगद जो है रावण के पास गए तो रावण ने पूछा, कह दशकंठ कवन तय बंदर, ये बंदर तू कौन है? तो उन्होंने सीधे उत्तर दिया, मैं रघुवीर दूत दशकंधर, हे दशकंधर, हे रावण, मैं रघुवीर का दूत हूँ। ये नहीं कहा उसने, हे रावण, मैं राजा महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम का दूत हूँ, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सटीक उत्तर दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट उत्तर दिया कि मैं रघुवीर दूत दशकंधर, रघुवीर का दूत हूँ। हाँ, तो आप जैसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वैसा ही उत्तर आपने देना है। तो एक नंबर का प्रश्न है तो एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना होगा। दो नंबर का प्रश्न है तो दो वाक्यों में उत्तर, यदि तीन नंबर का प्रश्न है तो दो से तीन वाक्य में उत्तर दे करके आप समाप्त कर दें ठोस उत्तर। यदि पाँच नंबर का प्रश्न है, यदि चार नंबर का प्रश्न है तो आधा पैराग्राफ, कितना? आधा पैराग्राफ, हाफ पैराग्राफ, अर्धानुच्छेद में उत्तर देना है आपने। चार से पांच वाक्य में, कितने वाक्य में? चार से पांच वाक्य में उत्तर देना है। यदि पांच नंबर का प्रश्न है तो मात्र एक पैराग्राफ में, मतलब एक अनुच्छेद में उत्तर देना है, यानी 100 से 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा यदि पांच नंबर का प्रश्न है। ठीक है, पांच। तो इस प्रकार से बेटा आप जब अपठित गद्यांश और पद्यांश जब पढ़ते हैं, जो उस पे जब आप आते हैं तो उसमें आपको किस प्रकार आप पद्यांश को या गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़कर उसी में उत्तर छिपा होता है, उत्तर जो है उसी में छुपा होता है बेटा। पर अपने शब्दों में उत्तर देना है, चाहे गद्यांश का हो या पद्यांश का, हूबहू आप लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जो पुराने विद्यार्थी थे इतना समझाने के बावजूद भी उन्होंने पंक्तियां लिख दी थी। मैंने अपने बड़े भाई श्री मंगतराम त्यागी जी जो रिटायर हो गए, तो उनको मैंने प्रश्न ये कॉपियां दिखाई, मैंने कहा बताइए, देखिए इतना समझाने के बावजूद भी बच्चों ने ऐसा लिख दिया है। उन्होंने कहा क्या करेंगे सर, मतलब अगर नहीं समझ में आता पूछो, मैं कोई हवा थोड़ी ना हूँ, अध्यापक कोई हवा थोड़ी होता। अध्यापक जो है अधिजमा आपन बराबर अध्यापन, ये होता है। यण संधि अगुण संधि दोनों का समन्वय है। अध्यापक जो है आपका हित चाहते हैं, अध्यापक आपका मार्गदर्शन करता है ताकि जो है आप अपने मंजिल को, अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए तैयार हो जाओ। आप पूछिए ना, कोई हजार बार पूछिए बताऊंगा, लेकिन यदि मैं एक बार पूछता हूं तो आपको उत्तर देना होगा। मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, जब मैं इनपुट देता हूँ तो आउटपुट भी मुझे मिलना चाहिए। यदि कंप्यूटर पे मैं टाइप करके लिख रहा हूँ तो यदि मैं प्रिंट का कमांड देता हूँ तो मुझे प्रिंट आउट भी मिलना चाहिए, तभी मेरी शिक्षण कार्यक्रम की सिद्धि हो सकेगी। अन्यथा मेरा भोकना, मेरा जो है आपको वक्तव्य देना, ये निरर्थक हो जाता है, बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। तो निरर्थकता नहीं दिखानी है, इस प्रकार से आपको ये दिखाना है कि प्रश्न पत्र तो अब जो है जो हाँ गद्यांश और पद्यांश की बात मैं कर रहा था उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके और अपने शब्दों में उत्तर देना है। और जो है ऑप्शनल है यानी बहुविकल्पिक है तो उसको ध्यान से उसको लिख देना होगा कि ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। हाँ, अब
मान लीजिए थक कर बैठ गए, क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह देखो उस पार चमकता है प्रियतम मंदिर प्रियतम का, हाँ वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। अब इसमें जो है आपको यह अनसीन पैसेज के रूप में अपठित पद्यांश है, इसमें आपको उत्तर देना है कि मंजिल किसका, मंजिल किसका प्रतीक है। उत्तर दे है उत्तर उत्तर जो है अपने अपने कर्म स्थल की प्राप्ति का, अपने कर्म के उद्देश्य की प्राप्ति का। प्रियतम का मंदिर कौन है? जिसको हम चाहते हैं, जिस उद्देश्य को हम चाहते हैं उसको प्रियतम कहा है कवि ने। तो इस प्रकार से आप जो है उत्तर ध्यान पूर्वक, हाँ हाँ जी, तो अब जो है इसी प्रकार से आपको उत्तर देना होगा। और मैंने विद्यार्थियों प्रश्न पत्र और परीक्षोपयोगी प्रश्न पत्र पर चर्चा की, और मैं आपको थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो थोड़ा सा बता सकूं मैं कि आप जो है अंतरा भाग दो में आप फणेश्वरनाथ रेणु की संवदिया ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, संवदिया अवश्य आएगा। और निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापसी नहीं उसमें से कई प्रश्न आ सकते हैं, जहाँ कोई वापसी नहीं उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और ममता कालिया का दूसरा देवदास इस कहानी का शीर्षक क्यों लिख दिया गया है? दूसरा देवदास इस कहानी का, गगन लिखिएगा बेटा, दूसरा देवदास कहानी का शीर्षक ममता जी ने क्यों रखा? प्रश्न नंबर दो, इस कहानी से आपका क्या अभिप्राय है? इस कहानी से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इसी प्रकार से जहाँ कोई वापसी नहीं, मतलब किस प्रकार की वापसी लिखो, लेखक का वापसी से, लेखक का लिखो बेटा, क्यों लेखक का वापसी से क्या अभिप्राय है? अथवा निर्मल वर्मा इस लेख के माध्यम से समाज और राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं?
समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अच्छा। अब जो है इसी में अंतराल में आप आपके छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। 15 नंबर का प्रश्न आएगा अंतराल से। कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 15 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको जीवन पर आपसे जीवन परिचय पूछा जाएगा ना, कुछ पूछा जाएगा, ये सब जो है इसमें से ये आएगा। एक चीज आपको बता दूं बेटा, ये तो परोक्षोपयोगी बात हो गई और थोड़ा सा विषय को मोड़ते हुए मैं किसी भी लेखक और कवि, किसी भी लेखक और कवि का जीवन परिचय आप कैसे देंगे, पीछे बात नहीं करेंगे तो किस प्रकार आप लेखक का परिचय देंगे, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समय है ना, तो इस प्रकार से अभी आप देखेंगे बेटा। ये ब्लैक बोर्ड जगह है तो लिख दो बेटा। किसी का लेखक परिचय, लेखक का जीवन परिचय, हाँ पहले आप लिखेंगे नंबर एक में बेटा, दिखाते रहना उसको लिखते हुए। पहला जो है जन्म, दूसरा पारिवारिक परिस्थिति एवं बाल्यकाल, तीसरा है शिक्षा, ठीक है, चौथा है उपलब्धि, पांचवा है प्रसिद्धि, और छठा है मृत्यु। ठीक है, ये छह बिंदु हैं। ये कितने बिंदु हैं? छह बिंदु हैं। जब भी कोई किसी लेखक या कवि का परिचय आप देंगे तो इन छह बिंदुओं को घटाएंगे। ये छह बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी लेखक का या कवि का परिचय देंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बताता चल रहा हूँ कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, है ना, ये समय बताएंगे। और उसके बाद पारिवारिक स्थिति कैसी थी, उनका बाल्यकाल या बचपन कैसे बीता, हाँ। चौथा जो है अब शिक्षा कहाँ हुई, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, हाँ। उपलब्धि क्या क्या उन्होंने किया, हाँ, क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ उनको पुरस्कार मिला। प्रसिद्धि के रूप में किस प्रकार से वो प्रसिद्ध हुए, कैसा कौन सा ऐसा कार्य उस कवि ने या लेखक ने किया जिससे कि वो प्रसिद्ध हो गए। और अगला है मृत्यु, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, किस सन में हुई, ये सारी बातें ये छह बिंदुओं में ये आ गई, है ना। तो इस इनको आधार मान करके आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने विद्यार्थियों आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे हल करें, और परीक्षा में जो है आपने प्रश्न पत्रों को, प्रश्न पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया, प्रश्न पत्र करने की विधि, हल करने की विधि पर, प्रश्न पत्र की भाषा कैसे पढ़ करके समझोगे ये भी बताया।
वास्तव में बच्चों परीक्षा जो है, परीक्षा क्या है? परीक्षा एक एक माध्यम है विद्यार्थियों को कसने की, कसने का एक कसौटी है जिस पर विद्यार्थी खरा उतर करके और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, अपने मंजिल को प्राप्त करता है। परीक्षक उसे सोचता है कि क्या हमारा विद्यार्थी ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, मैं परीक्षा ले रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ, क्या हमारा विद्यार्थी इसमें अव्वल आ रहा है कि नहीं, क्या इसमें उत्तीर्ण हो रहा है कि नहीं। हाँ, परीक्षा विद्यार्थी की योग्यता को मापने की इकाई है, परीक्षा विद्यार्थी की योग्यता को मापने की इकाई है। अभी लिख सकते हैं बेटा, परीक्षा विद्यार्थी की मापने की, विद्यार्थी को मापने की इकाई है, विद्यार्थी की योग्यता को मापने की इकाई है। अगर उस मापन में विद्यार्थी खरा उतर गया तो अब उसका अध्यापक जो है, उसका गुरु उसे आगे अग्रिम शिक्षा देगा, अग्रिम स्तर की शिक्षा उसे प्रदान करेगा। यही तो परीक्षा है। तो आप दसवीं, आप बारहवीं से फिर जो है कॉलेज में परीक्षा CBSE बोर्ड को पार करके अब फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहाँ आपकी परीक्षाएं होंगी, पहले साल की, फिर पहले साल में पास हो जाएंगे तो दूसरे साल में जाएंगे, दूसरे साल में उत्तीर्ण होकर तीसरे साल में जाएंगे। ये किससे होता है? परीक्षा जो है एक मापदंड है, जिससे कि एक पैमाना है परीक्षा जो है एक पैमाना है, उस पैमाने से वो जो है माप करके और हम आपको अग्रिम शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को मेरा परीक्षा पर और किसी भी लेखक के जीवन परिचय पर हम कैसे विचार करते हैं वो इस पर वक्तव्य मैंने दिया, आपको अच्छा लगा होगा। और इस पुनः पुनः इस शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आपने भाग लिया, आपने अनुशासन बनाए रखा और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और परीक्षा में पुनः पुनः अव्वल आने के लिए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद विद्यार्थियों।